कंत्राटदारांची बिलं वेळी अदा न केल्यास शहरातील अनेक विकास कामं रखडली आहेत. शिवाय मनपा मुख्यलेखा अधिकाऱ्यांनी याविषयी गांभीर्य नसल्याचंही सांगत सत्ताधाऱ्यांच्या बोलण्यावरूनच ते कार्य करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलाय. मनपा मुख्यलेखा अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर आज संतप्त विरोधी पक्ष नेत्यांनी ठिय्या दिला. गेल्या 2 ते 3 वर्षांपासून कंत्राटदारांची बिलं अदा करण्यात आली नाहीत. शिवाय मनपा मुख्यलेखा अधिकारी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील याकडे ते सतत टाळटाळ करतात. आज विरोधी पक्ष नेत्यांनी ही समस्या मांडण्यासाठी मुख्यलेखा अधिकाऱ्यांच्या दालनात गेले असता तेथे लेखा अधिकाऱ्यांची उपस्थितीच नव्हती. शिवाय त्यांच्या कार्यालयास टाळंही होतं, त्यामुळे संतप्त विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी तिथेच ठिय्या मांडून आपला विरोध दर्शवला. कंत्राटदारांची बिलं अदा करा आणि रखडलेली विकास कामं चालू करा असे आदेश असताना देखील मनपा लेखा विभाग जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे. तसेच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकास कामं वेळेवर होऊ नयेत त्यासाठी मुख्यलेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे षडयंत्र रचलं जात आहे असा आरोपही यावेळी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलाय. शिवाय हे अधिकारी कार्यालयात नसताना कुठून कामं करत आहेत असा सवाल देखील यावेळी त्यांनी उपस्थित केलाय. और चीफ अकाउंट ऑफिसर हो या मेहर साहब हो, ये कभी भी अवेलेबल नहीं रहते अकाउंट ऑफिस में. देखने में ये आ रहा है बार बार कि सत्ताधारी इनको जहाँ पे बिठाते हैं वहाँ जाकर ये चेक बांटते या पेमेंट्स करते हैं. क्यों? कि इनको कुछ ना कुछ चीरी मीरी मिल जाता है, इसलिए ये जाकर कोने कोने काम कर रहे हैं. इनको ये ऑफिस क्यों दिया गया? इनसे जब भी पूछे तो ये अवेलेबल नहीं है, फोन भी बंद है इनके. तो इनसे यही पूछना है कि काम अगर ये लोग यहाँ नहीं कर रहे तो फिर हम लोग आके बैठ के काम करते हैं हमारा, क्योंकि हमारे को मिलने को भी तैयार नहीं है. ठेकेदार पूरे परेशान घूम रहे, पूरे कारपोरेशन के अंदर आप देखो ठेकेदार परेशान है, इनकी सूरत देखने के लिए तरस रहे. कम से कम इनको मालूम तो होना चाहिए कि आज ये पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कम से कम मिलना चाहिए इन्होंने. ये नहीं मिलने की वजह से आज हम इनसे सवाल करेंगे कि तुम्हारा ऑफिस ये है या सत्ताधारियों के घर के अंदर बैठ के या कहीं और बैठ के जो काम कर रहे तो वो तुम्हारा ऑफिस है बोलकर. कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं लेता क्योंकि पेमेंट के बांधे हो जाते. अभी जब कॉरपोरेशन ने अकाउंट्स ऑफिस अकाउंट सेक्शन बनाई तो वहां पर ये तीनों जो भी कैबिन्स है उसको लॉक क्यों है? मेरा पहला आपको क्वेश्चन ये है कि इसको लॉक क्यों है? अगर इसको लॉक है तो ये लोग काम कहां से कर रहे हैं? और जो कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट करने पे काम लेता हमारे वार्डों में, वो ये चाहता कि भाई भैया आपने रिक्वेस्ट करके हमारा बिल जो पेंडिंग है पहले किया हुआ है वो निकाल देना तो हम ये काम भरते. ऐसा रिक्वेस्ट करके करते तो हम यहाँ रिक्वेस्ट करने आए तो हमारी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है. तो हम ये जानना चाहते कि ये ऑपरेट कहां से करते हैं, यानी काम करते या नहीं करते, और करते तो किसके बोलने पे करते? मेयर के बोलने पे करते या कमिश्नर के बोलने पे करते?